अब हम स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। स्टैटिक का मीनिंग क्या है? ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जो टाइम के साथ ना बदल रही हो। और हम शुरू से देखते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए मैग्नेटिक फील्ड के इवोल्यूशन के, उससे ये समझ में आया कि करंट जब भी किसी कंडक्टर से फ्लो होता है, अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, मतलब डीसी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। या फिर साथ में मैं एक चीज और ऐड कर दूं कि अगर करंट जो है किसी कंडक्टर से एसी करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके चारों तरफ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। पर यहां पर मुझे सिर्फ स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड की बात करनी है, तो मैं एक कंडक्टर कंसिडर कर रही हूं। इस कंडक्टर से अगर डीसी करंट फ्लो होता है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी, मतलब फ्लक्स के लूप्स ऐसे डेवलप हो जाएंगे। मैं आपको 3D विजुलाइज करके भी बताती हूँ। सपोज ये कंडक्टर है और ये टिप की डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में मैं अगर इस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहूं, तो मुझे मालूम है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ प्रोड्यूस होगी। पर फ्लक्स की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का एग्जिस्टेंस हमें मैग्नेटिक फ्लक्स से समझ में आता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन से समझ में आता है। तो इसके चारों तरफ उस बहने वाले करंट की वजह से, जो इस कंडक्टर से करंट बह रहा है, उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस प्रोड्यूस हो जाएंगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के प्रोड्यूस होने की डायरेक्शन ये वाली होगी कि ये वाली होगी, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से। मेरा राइट हैंड थंब मैंने डायरेक्ट किया है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और मेरी फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप हो रही है इस कंडक्टर पर, वो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी। मतलब अगर इस कंडक्टर को मैं होल्ड कर रही हूँ इस तरीके से, और थंब को मैं करंट की डायरेक्शन में रख रही हूँ, तो फ्लक्स की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरीके से होगी, मतलब ये। तो ऐसे मुझे फ्लक्स की डायरेक्शंस इसमें मिलेंगी। ये फ्लक्स लूप्स जो होंगे, जो इस एक करंट आई की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं, आई को मैं थोड़ा सा और डिस्टेंस या यहां पर बना देती हूँ, तो आई की वजह से जो फ्लक्स लूप्स प्रोड्यूस होंगे वो इस तरीके से होंगे। मतलब आपको लूप्स मिलेंगे, फ्लक्स लूप्स मिलेंगे पैरेलल टू ईच अदर, एंड नो टू लूप्स विल बी क्रॉसिंग ईच अदर। तो ये फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, डीसी करंट बहने पर चारों तरफ हमें जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है वो स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है। अब निश्चित तौर पे अगर ये करंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस जो होंगे वो हमें डेंस मिलेंगे, मतलब पास पास नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस मिलेंगे। इसका मतलब इस पर्टिकुलर कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मुझे स्ट्रॉन्ग मिल रही है, तो वो कब होगा? जब करंट बड़ा होगा। इफ आई इज लार्ज देन मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस विल बी डेंस। आसपास के एरिया में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मिलेंगी वो हमें डेंस मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस मिलेंगी, मतलब इसके चारों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगी। अब मैं इसके बाद आपको रिलेशन बता देती हूँ डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड जो मैग्नेटिक पैरामीटर्स हैं उनके बीच में।